सुअर घना खाई रहा है, बहुत नुकसान कर रहा है। और के हैरान हो गया तो भी हमें नहीं दिया वहाँ सुरुआ ने, ये बहुत भारी का नुकसान हो चुका है। बहुत अन्ना आधी मक्की करती है, दो दिन में आधी मक्की ने बहुत तोड़ दी। नमस्कार, स्वागत है आपका भेरू डॉट कॉम में। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। इस वक्त हम मौजूद हैं जावत के एक खेत पर। यहाँ पर एक मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ पर जो है आवारा जो सुअर है उससे काफ़ी किसान परेशान हैं। किसानों द्वारा जो है फसलें यहाँ पर किसानों की तबाह की जा रही है सुअरों के द्वारा। किसान काफ़ी परेशान है, किस तरह से सुअर जो है फसलों को ख़राब कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है। हमारे साथ यहाँ खेत के किसान मौजूद हैं जिनकी फसल ख़राब हुई, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छगन है। क्या हुआ, मतलब कब से ये सुअर इतना परेशान कर रहे हैं और क्या स्थिति है? 5-7 दिन से सुअर ज़्यादा परेशान कर रहा है। वो कहे के खा जाए और चारा भी बिल्कुल घुन के साफ कर देता है, ना तो हमारे पशु खाते हैं उनको, ना कोई ये काम का रहता है। हम भुट्टे चगर के डाल देते हैं और घास को जो घुन देते हैं वो गीला, जो वो गाय भैंस खाती नहीं है वो। अच्छा, कौन सी फसल है और किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं? मक्का है, पूरी मक्का है। वो मक्का में ज़्यादा नुकसान अभी ज़्यादा कर रहे हैं नुकसान। मक्का के कहे चलते जो वो दोनों पैरों के बीचे लेके तोड़ रहे हैं वो, और तोड़ के उन भुट्टा को खा जाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, गून देते हैं वो, सब जमीन डोट कर रहे हैं। जो हमारे जानवर भी नहीं खाते उन डाड़ा को। अच्छा, आज क्या हुआ, मतलब किस फसल को नुकसान पहुँचाया और आज कब की कब आए और कब कितना नुकसान किया इन्होंने? वे 5-7 आए हैं और आज सुबह शाम को तो 9 बजे उदी मैं खेत पर रहा, और सुबह आया तो वो भी वही पोषण कर रखी है कि सब गूंद रखा है, तोड़ तोड़ के डाल दिया। रात भर हम वहाँ पे रह नहीं सकते और पानी का नो गीला है, वहाँ कहाँ बैठे हैं जो। और ज़्यादातर मक्का में नुकसान हमारे, मक्का ज़्यादा तोड़ रहे हैं और खा रहे हैं। अच्छा, ये आसपास के खेतों में सब तरफ स्थिति है या यहीं है कि आसपास के किसान भी परेशान हैं? नहीं, आसपास के किसान भी परेशान हैं। जहाँ जहाँ मक्का है, कोई जानवरों के लिए घास फूस है तो वो उनको गूंद रहे हैं, लौटते हैं अंदर जाके वो। अच्छा, आप जो है आपकी फसलें लगातार ख़राब हो रही है, आपने इसको लेकर कहीं अधिकारियों को अवगत कराया कि भाई हमारी इस तरह से फसलें ख़राब हो रही है, सुअर फसल ख़राब कर रहे हैं? नहीं, वो हमने नगर पालिका में जाकर अधिकारियों को बोला। और मतलब कुल मिलाकर अब कितना नुकसान माना जाए, कितना नुकसान हुआ है? आधा बीघा में मान लो कि अब 4 आना नुकसान तो कर ही दिया है, 4 आना 6 आना कुल मिलाकर काफ़ी परेशान है आप इन सुअरों से? कुल मिलान सुअरों से बहुत परेशान है हमारे को, ये सब परेशान, सब परेशान है। हम यहाँ पे 5-7 जन हैं, वो कई परेशानी के लिए हमने बहुत भारी कर लिया, इनको बहुत बार कह चुके हम, अगर सुनते ही नहीं है। क्या मांग है आपकी, अब क्या चाहते हैं आप? हमारे को ये कोई 2-5 जन नुकसान कोंत लगाए वो मान लूँ हमें। मतलब आप चाहते हैं कि इन सुअरों को जो है यहाँ से हटाया जाए, ये मांग है आपकी? नहीं, इन सुअरों को कैसे किया जाए, इनको हटाया जाए। एक सुअर नहीं हटेगा तो हमारी पूरी फसल नाश कर देगा। अच्छा, मान लो आपके इतने करने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता और लगातार यही स्थिति रहती है तो आप क्या करेंगे, मतलब आगे का? आगे के लिए तो देखो, ये स्थिति रही तो हमारे को बहुत परेशानी हो जाएगा और ये सब पूरी फसल नष्ट कर देगा। रात को भी हम वहाँ पर नहीं रुक सकते, नहीं घास फूस रहता वो वीड में, कहाँ बैठे कहाँ उठे, जानवरों को से परेशानी है। मोड़ा बेगदी भली आप चक्कर लगा देते हैं, हम सुबह में आते तो बागी भाई पोषण वो आते का जहाँ किस वक्त आते। ये हमारे साथ किसान थे जिन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से इनके लिए समस्या बनी हुई है, सुअर इनके लिए आफत बने हुए हैं। इनकी जो मक्के की फसल है ये उसकी रखवाली भी करते हैं, लेकिन जब कुछ समय इनकी नज़र हटती है उसी दौरान वापस सुअर आकर फसलों को तबाह कर देते हैं। आज भी जो है लगभग आधे बीघे के लगभग ये बता रहे हैं कि इनकी मक्के की फसल ख़राब हो गई है। इन्होंने इसको लेकर जो है अधिकारी नगर परिषद को भी अवगत करा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इनको जल्द ही इन समस्या से निजात मिलती है या नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या समस्या है मुख्य, मतलब कितने दिनों से बनी है?
मुख्य समस्या ये तो समस्या दो साल से है, लेकिन इस टाइम पे जो फसल खड़ी होती है उस टाइम पे ज़्यादा नुकसान होता है। तो अब आप क्या चाहते हैं, इसमें क्या मांग है आपकी? हमारे को तो इसका मतलब स्थायी इलाज चाहिए हमको, इसका मतलब सुअरों का पूरा ये कर दिया जाए। अच्छा, ये जो सुअर है ये कहाँ से आते हैं भाई? नगर पालिका में ही है, नगर परिषद जावत से है या आसपास के गांव के कहाँ? नहीं नहीं, जावत के ही हैं सब, जावत के ही हैं, जावत के जावत नगर परिषद। तो अब आपने इसको लेकर अवगत भी करा दिया है, अब आप इसमें कोई मुआवजा वगैरह की भी मांग करेंगे, क्या रहेगा मुआवजे के लिए भी आपने कहीं अपील की है इसमें? मुआवजे की कोई अपील नहीं की है, नहीं की है। बस कुल मिला के आपका यही कहना है कि इन समस्या से हमें निजात मिले? इससे हमारे को दो तरफा नुकसान हो रहा है। क्या क्या इसमें क्या है कि एक तो फसल भी नष्ट हो रही है, दूसरी के जो वो चारा बचता है तो वो भी जानवर नहीं खा रहे हैं, उसकी उनकी बदबू से वो भी दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर वो कुछ ही काम का नहीं आता, काम का नहीं है, उस पे चला गया था। तो ये किसान है, इनका कहना है कि एक बार जब सुअर इनके खेत में आ जाता है और फसलों को तबाह कर देता है, जो चारे को और जो जिस मक्खी जिस खेत में वो घूमता है और वो जो घास जो रहती है, जो कहा जाए मक्खी और जो भी चीज़ है, वो किसी काम की नहीं है। मतलब ना तो उसको कोई गाय खाती है ना कोई जानवर खाता है, कुल मिलाकर पूरी तरीके से वो बर्बाद हो जाती है। तो कुल मिलाकर किसान काफ़ी परेशान है, इनकी यही मांग है कि जो सुअर जो लगातार इनकी फसल ख़राब कर रहे हैं जल्द से जल्द उन्हें पकड़ा जाए। काफ़ी परेशान किसान है, आधे बीघे के लगभग आज नुकसान हुआ है और आगामी समय में भी जो है नुकसान हो सकता है। इस वक्त भेरू डॉट कॉम के साथ में आकाश श्रीवास्तव। लगातार जो है नगर परिषद के सुअर के द्वारा सुअरों के द्वारा जो है फसलों को तबाह किया जा रहा है। आज भी लगभग आधे बीघा की मक्के की फसल को जो है सुअर के द्वारा ख़राब कर दिया गया है। पूरी घटना बावल दरवाजा की है, जावर नगर के अंदर की है। सोहन जी, लगातार जो है सुअर द्वारा किसानों की फसलों को भी तबाह किया जा रहा है, नगर में लगातार इनका विचरण भी है, लोग काफ़ी परेशान हैं, इसको लेकर क्या कुछ हो? नहीं, आज हमारे पास भी बावल दरवाजे से छगन जी धाकड़ करके का आवेदन आया है। उनका कहना है कि उनके खेत पर एक बीघे के करीब मक्का की फसल बोई हुई थी, वो पूरी नष्ट कर दी है। और हमने और माननीय यहाँ के प्रभारी जी ने दोनों मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम आवारा पशुओं को जल्दी से जल्दी इस नगर से निजात दिलाएंगे। सबसे पहले कल हमने रात को आवारा गायों को पकड़कर नयागांव स्थित गौशाला में भेजने की कार्रवाई करी है। हमने हमारे नगर परिषद के दरोगा जी को भी अवगत कराया है कि ये सुअर जल्दी से जल्दी पकड़कर आप बाहर भिजवा दो, अन्यथा हम इसका भी एक टेंडरिंग करके होता है, बाहर से कोई टीम आती है और पकड़कर लेके चली जाती है। तो हमने विचार किया है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ नगर परिषद के दरोगा के माध्यम से हो जाए तो ठीक, नहीं तो हम सुअरों को बाहर भेजने के लिए हम किसी सब बाहर वाली एजेंसी को हायर करके सुअर से जल्दी निजात नगर को दिलाएंगे। हमारी एक हेल्पलाइन है, उसमें भी आवारा पशु संबंधित कोई भी शिकायत हो तो आप उस पर हमको अवगत कराएं, निश्चित ही हम बहुत जल्दी से जल्दी उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जो दिन में जो समस्या आती है हमारे पास, उसका हल हम शाम तक कोशिश करते हैं, शाम तक हो जाए, एक दिन में नहीं, दो दिन में, तीन दिन में हम उसका हल निकाल ही लेते हैं। और अभी तक जो हमारी समस्या है सबका समाधान वापस उसको मैं और मेरे उपाध्यक्ष जी दोनों मिलकर उसको मॉनिटर करते हैं। और फिर हम उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी समस्या का हल हुआ है नहीं, बिजली संबंधी, नल संबंधी, स्वच्छता संबंधी और एक आवारा पशु संबंधी, इन सभी समस्याओं के लिए हमने हेल्पलाइन भी जारी की है, उसका भी हमें को बहुत लाभ मिल रहा है। और फर्स्ट दिन बहुत शिकायतें आई थी, अब धीरे 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 शिकायतें भी कम होना लगी है। तो हमको ऐसा विश्वास है कि नगर की जनता हम पर विश्वास जता रही है और हम उनको विश्वास पर खरा उतरेंगे। और निश्चित ही ये छोटी मोटी समस्या है उनको जल्दी से जल्दी हल कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो समस्या है बड़ी सुअरों की, उसे जल्द ही नगर परिषद द्वारा सोल्व कर लिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो बाहर की एजेंसी बुला के इसका निराकरण किया जाएगा। हाँ, हमारी भी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी सुअरों से निजात मिल जाएगा, क्योंकि बहुत किसान परेशान है। कल ही हमारा खोर दरवाजे से घनश्याम जी पटेल है, उनकी भी एक शिकायत थी, एक अठाना दरवाजे से वो बोहरा परिवार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी आई, और एक बार तो अभी बस स्टैंड पर एक सुअर से एक्सीडेंट भी हो गया था, उनकी भी हमारे पास शिकायत आई। हम भी ये चाह रहे हैं कि इन आवारा पशुओं के माध्यम से जो हमारे नगर में समस्या उत्पन्न हो रही है उसको जल्दी से जल्दी हम हल कर दें।
ये थे हमारे साथ में जावत नगर परिषद के अध्यक्ष सोहन जी माली, जिन्होंने बताया कि जो गाय वगैरह है उनको कल पकड़ लिया गया है, वे कार्य कल से चालू हो गया है। बात की जाए सुअरों के पकड़ने की तो उसको लेकर भी जो है नगर परिषद के जो दरोगा है उनको बता दिया गया है, अगर वे फिर भी अगर इस पर नहीं कार्रवाई कर पाते हैं तो बाहर से अगर किसी का सहयोग भी लेना पड़ा, कोई टीम बुलानी पड़ी, तो उसके लिए भी जल्द से जल्द इस समस्या को लेकर निराकरण देखने को मिलेगा। इस वक्त ब्रू.com के साथ में आकाश श्रीवास्तव।